आपका SPN9 न्यूज में, मैं हूं आपके साथ श्रुति। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में सिंधिया भी शामिल हैं, तो वहीं कहते हैं राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता, संभावनाओं का द्वार हमेशा खुला रहता है। शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश के भिंड में लगे एक पोस्टर में ज्योतिरादित्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ नजर आते हैं। सियासत में बयानों की टाइमिंग के अपने मायने होते हैं। पोस्टर भी पर्दे के पीछे चल रहे घटनाक्रमों का संदेश देते हैं। इस कसौटी पर कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया के हालिया बयानों और भिंड में लगे एक पोस्टर को कसे तो भविष्य की राजनीति के कई संकेत नजर आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान तो चल ही रही है, वहीं कांग्रेस की तरफ से कोई फैसला भी सामने नहीं आया है। वहीं हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कह दिया था कि कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। अब इस तरह के बयानों से और पर्दे के पीछे चल रहे घटनाक्रम तो यही संदेश देते हैं कि कांग्रेस के नेताओं का आपस में ही नहीं बन रहा है। इनसे सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ने वाले हैं? क्या वे उस भाजपा में शामिल होंगे जिसमें उनकी दादी विजया राजे सिंधिया रही और जिनके साथ आज भी उनकी बुआ राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री यशोधरा राजे जुड़ी हैं। उनकी दादी तो बीजेपी के संस्थापकों में शामिल थी। हालांकि ज्योतिरादित्य को जब सियासी पारी शुरू करने का मौका मिला तो उन्होंने दादी की पार्टी की बजाय पिता माधवराव सिंधिया की विरासत को कांग्रेस में रहकर आगे बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन कहते हैं राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता, संभावनाओं का द्वार हमेशा खुला रहता है। शायद यही कारण सामने आता है कि मध्य प्रदेश में भिंड में लगे एक पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ वो पोस्टर नजर आए थे। तो वहीं रिपोर्ट के अनुसार ये पोस्टर जो है वो भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा भारत रक्षा मंच के संयोजक हृदयेश शर्मा की ओर से लगाया गया। हाल ही में ज्योतिरादित्य ने जिस तरह प्रदेश की कांग्रेस सरकार को कई मौकों पर घेरा है उससे भी उनके पार्टी बदलने के कयासों को बल मिलता है। ये दूसरी बात है कि अब तक वे ऐसे कयासों को खारिज करते रहे हैं। तो वहीं हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अपनी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया और वसुंधरा राजे से हुई गर्मजोशी भरी मुलाकात ने सियासी माहौल में गर्माहट ला दी। ग्वालियर में विजया राजे सिंधिया की 100वीं जयंती के मौके पर आयोजित समारोह में सिंधिया राजघराने के सदस्य अरसे बाद एक साथ नजर आए। ग्वालियर में विजया राजे सिंधिया की क्षत्रिय स्थल समाधि स्थल पर शनिवार को हाल ही में 100वीं जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया था। इस श्रद्धांजलि समारोह में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी नेता यशोधरा राजे सिंधिया और वसुंधरा राजे के साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य भी पहुंचे थे। तो वहीं एक तरह से देखा जाए तो एकजुट परिवार नजर आया था। इस मौके पर परिवार की एकजुटता नजर आई। ज्योतिरादित्य ने जहां यशोधरा राजे को गले लगाकर अभिवादन किया, वहीं वसुंधरा से उनका हाल चाल जाना। इसके साथ ही तीनों की आपस में काफी लंबी बातचीत भी हुई और आत्मीयता का भी प्रदर्शन किया गया। लंबे अरसे बाद ये ऐसा मौका आया जब सिंधिया राजघराने के सभी सदस्य साथ नजर आए और उन्होंने एक दूसरे का पारंपरिक तरीके से अभिवादन किया और स्नेह भी जताया। पिछले कुछ दिनों से राज्य सरकार की योजनाओं पर सिंधिया द्वारा उठाए जाने वाले सवालों और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का स्वागत किए जाने के बाद से सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। उसी के बाद अब सिंधिया की अपनी दोनों बुआ जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे मेल मुलाकात भले ही विजया राजे सिंधिया की जयंती पर हुई हो लेकिन उनके सियासी मायने ढूंढे जा रहे हैं। तो वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों के हवाले से बताया जा रहा था कि पिछले साल के विजया राजे सिंधिया की 99वीं जयंती के मौके पर भी ज्योतिरादित्य और यशोधरा राजे का छत्री पर आनत हुआ था। दोनों ही अलग अलग समय पर छत्री पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। तो वहीं आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र के राजनीतिक विश्लेषक
और सिंधिया परिवार को करीब से जानने वाले राकेश अचल का कहना है कि इस मुलाकात के राजनीतिक मायने नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि सिंधिया राजघराने की ये खूबी है कि उनमें आपस में चाहे कितनी भी दूरी हो, वे सार्वजनिक तौर पर मिलने पर एक दूसरे का अभिवादन करने में कोई कमी नहीं करते। विजयराजे सिंधिया की 100वीं जयंती थी और इस मौके पर सभी का मिलना और फिर बुआ से आत्मीयता जताना उनकी परंपराओं का हिस्सा है। खैर, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होगा और सिंधिया को कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बनाया गया है। कांग्रेस पूरी कोशिश में है कि महाराष्ट्र में फिर से सत्ता में वापसी की जाए। जिस तरह से मध्य प्रदेश में 15 सालों बाद कांग्रेस सत्ता में आई है, अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र में किसकी जीत होगी। आगे तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।